स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल ज्योग्राफी क्लासेस पर। आज अपन बात करने वाले हैं अपने राजस्थान का जो थार का मरुस्थल था उसका जो दूसरा पार्ट है जिसको अपन कहते हैं अर्ध शुष्क रेतीला मैदान। आइए शुरू करते हैं अपना अर्ध शुष्क रेतीला मैदान। ठीक है, देखो अर्ध शुष्क रेतीला मैदान, इस अर्ध शुष्क रेतीले मैदान को अपन चार विशेष भागों में बांट सकते हैं। पहला जो भाग है उसको अपन कहेंगे घग्गर प्रदेश, घग्गर प्रदेश, ठीक है। दूसरा जो भाग होगा अपना, दूसरे को अपन कहेंगे शेखावाटी, शेखावाटी बांगड़, ठीक है। तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा अपना थली प्रदेश, और चौथा जो पार्ट होगा वो होगा जिसको अपन कहेंगे लूनी जवाई बेसिन, लूनी जवाई बेसिन, ठीक है। तो यहां से शुरू करते हैं घग्गर प्रदेश से, ठीक है। लेते हैं अपना आज का पहला जो टॉपिक है अर्धशुष्क रेतीले मैदान में, जिसको अपन थार का मरुस्थल का दूसरा भाग कह रहे हैं। तो अर्धशुष्क मैदान से शुरू करते हैं घग्गर प्रदेश। ठीक है, अर्धशुष्क मरुस्थल मैदान में सबसे पहले लिया है अपन ने घग्गर प्रदेश, इसी की बात करते हैं। गगर प्रदेश ना एक्चुअल में दो जिलों में विस्तृत है, एक को अपन कहते हैं हनुमानगढ़ और एक को अपन कहते हैं गंगानगर, ठीक है। यहां पे घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है, ठीक है। इस प्रदेश को अपन नाली भी कहते हैं, यानी घग्गर प्रदेश का जो बहाव क्षेत्र है नदी का वो एक्चुअल में क्या कहलाता है, नाली प्रदेश भी कहलाता है, ठीक है, याद रखिए। ओके, तो ये हो गया नाली प्रदेश। ओके, अब अपन बात कर रहे हैं इस प्रदेश की विशेषता क्या है। यहां पे जो मृदा पाई जाती है वो होती है जलोढ़, जलोढ़, और ये जलोढ़ है पुरानी जलोढ़, और पुरानी जलोढ़ जब होती है तो उस पुरानी जलोढ़ को एक्चुअल में कहा जाता है बांगर। अब यहां की जो बांगर मृदा है, यहां की बांगर मृदा पुरानी है, और इस वजह से इस बांगर मृदा को एक वर्ड बारिंद, बारिंद भी कहा जाता है। तो ये मृदा बारिंद भी कहलाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, अब इस मैदान की खास विशेषता ये है कि यहां पे आई हैं दो नहरें हैं विशेष, एक को अपन कहते हैं गंग नहर और एक कहलाती है इंदिरा गांधी नहर, राइट ना, ठीक है। ओके, अब क्या हुआ है एक्चुअल में कि इन दोनों नहरों ने यहाँ की इस मृदा को एक बार फिर से उपजाऊ बना दिया है, ये एक बार फिर से उपजाऊ बनी है, ठीक है। ओके, तो अब गंग नहर गंगानगर के लिए विशेष, और इंदिरा गांधी नहर गंगानगर हनुमानगढ़ और यहां पश्चिमी जो जिले हैं उन सब के लिए आई है, ये अपनी गंग नहर कहलाती है और इसको अपन IGN भी कहते हैं। तो इन नहरों के कारण ये प्रदेश उपजाऊ बन गया है, और आज आप जानते हैं कि अपना जो गंगानगर है इस गंगानगर को अपन क्या नाम देते हैं, राजस्थान का अन्न का कटोरा, राइट ना, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप तो इस मैदान के लिए इन नहरों की खास बात के साथ साथ कुछ समस्याओं को देखो तो यहाँ कुछ समस्याएं नजर आएंगी, और उन समस्याओं में जो सबसे ज्यादा यहाँ पे बन गई है वो होती है एक समस्या सेम की और एक समस्या बनी है यहाँ पे रेह की। तो सेम और रेह की दो समस्याएं यहाँ पे निर्मित हुई है। अब ये सेम और रेह क्या होता है, सेम को अपन बोलते हैं वाटर लॉगिंग, ठीक है, या हिंदी में इसको एक नाम और दिया जा सकता है, ये कहलाता है जलाक्रांता, जलाक्रांता, ठीक है। रेह क्या होता है, सेम क्या होता है, सिंपल सा जान लीजिए, सेम क्या होता है, जब अति सिंचाई आप करते हैं भूमि में तो भूगर्भित जल स्तर बढ़ने लगता है, और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, उसको अपन सेम कहते हैं। जैसे आप, जैसे अपना जो बारिश के समय दीवारों में सीम आ जाती है, सेम सीम, या लोकल वर्ड में इसको अपन सीलन सीलन करके भी बोलते हैं, तो ये वही चीज है।
अब रेहे इस सेम से जुड़ा हुआ एक वर्ड होता है रेहे। रेहे को अपन और भी नाम से जानते हैं, इसको अपन कल्लर भी कहते हैं, इसको अपन ऊसर भी कहते हैं, ये ऊसर टाइप बंजर मृदा हो जाती है, इसको चौपेन भी कह देते हैं चौपेन, और इसको धुर धुर के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके नाम होते हैं अपने रेह के। अब इस रेह में क्या होता है, जब भूमिगत जल नीचे से ऊपर की ओर रिसाव करता है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो भूमिगत लवण होते हैं वो जल में घुलकर सतह पर आ जाते हैं और सफेद सी परत जम जाती है नमक की भूमि की सतह पर, ठीक है। तो उसको अपन क्या नाम दे देते हैं, रेह का नाम दे देते हैं ना, तो वो चीज होती है रेह, आप याद रखेंगे, राइट। दूसरी एक और खास बात होती है, अपने जो प्रभावित जिले स्थान है रेह और सेन से वो कौन से, ये जानना जरूरी है। तो हनुमानगढ़ का एक गांव होता है जिसको अपन कहते हैं बड़ोपल, बड़ोपल, ठीक है। ये नाम है बड़ोपल जो कि हनुमानगढ़ में है, ठीक है। और ये बड़ोपल सेन से ग्रसित है, रावतसर एक क्षेत्र होता है, रावतसर हनुमानगढ़ ये सेन से ग्रसित है। गंगानगर का सूरतगढ़ क्षेत्र होता है, ये सेन से ग्रसित है, ध्यान रखेंगे, ओके। तो ये तो हो जाता है अपना घग्गर प्रदेश। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं शेखावाटी की। देखो दोस्तों, शेखावाटी में आप जानते हैं कि तीन जिले आते हैं। ये प्याले के आकार का कौन सा जिला, सीकर, राइट, ठीक है। तो अपना सीकर और इसके ऊपर गोद में बैठा हुआ सा प्रतीत होता है एक जिला, वो अपना झुंझुनू, ठीक है। और झुंझुनू के सहारे चूरू का सीमावर्ती क्षेत्र और ले लेना है, ठीक है। अब इसके साथ में अपने को लेना है एक और नागौर, लेकिन नागौर में सिर्फ और सिर्फ सांबर झील का जो एरिया है ना वो आपको लेना है, और इनको मिलाकर अपन बोल देते हैं शेखावाटी बांगड़। ये कहलाते हैं शेखावाटी बांगड़, राइट, ये याद रखिए, ये शेखावाटी बांगड़ है। अब देखो अपने को कुछ इसमें देखना है क्या, कि इनके कुछ उपनाम हैं या इन प्रदेशों के कुछ अन्य नाम हैं, उनको जानते हैं कि क्या है वो अन्य नाम। तो सबसे पहली बात, सीकर और झुंझुनू में सीकर से खंडेला की पहाड़ियों से निकलने वाली एक नदी होती है, और ये नदी चूरू जिले की सीमा पर झुंझुनू का एक गांव होता है मंडरेला, मंडरेला में आकर विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये झुंझुनू की नदी, नदी का झुंझुनू और सीकर की नदी, नदी का नाम कांतली, ठीक है, कांतली। अब इस कांतली नदी की एक खास बात है, इस कांतली नदी के बहाव क्षेत्र में है ना, इस बहाव क्षेत्र में एक शासन, एक राजवंश ने शासन किया था, और उस राजवंश का नाम है तमर या तोमर। इस शासक ने राजवंश किया था तोमर या तमर ने, और इसी वजह से इस एरिया को अपन एक नाम देने लग गए हैं तोरावाटी, ठीक है, या इसको कहते हैं तमरवाटी, या इसको कहते हैं तोमरवाटी, तोमरवाटी, ये इसके नाम हो जाते हैं, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन दक्षिण खंडेला नागौर झील क्षेत्र सांबर वाला, ये एरिया पूरा विशाल खुला क्षेत्र है, और इस एरिया को अपन कहते हैं अनंत गोचर, अनंत गोचर, ये गोचर है, विशाल खुला क्षेत्र है, और इस विशाल खुले क्षेत्र को अपन एक नाम दे देते हैं, वो नाम होता है अनंत गोचर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलो अब बात करने वाले हैं अपन आगे जो अपना विशेष भूआकार है, एक चीज और जान लेते हैं इसके साथ में इसके लिए, कि वो खास बात ये है कि ये अपना जो प्रदेश है, इस प्रदेश में आपको जो मृदा देखने को मिलेगी, ठीक है, वो नदी के बहाव क्षेत्र में तो जलोढ़ है, ठीक है, और बाकी जो शेष भाग है यहां पे अपने को मिलती है भूरी रेतीली मृदा, ये ध्यान रखना, शेष भाग में अपने को मिलेगी भूरी रेतीली मृदा, ओके। ये बात हो जाती है अपने शेखावाटी की। अब नेक्स्ट अपने पास आता थली प्रदेश।
थली प्रदेश। देखो दोस्तों, थली ना जानो तो आप थड़ी जरूर जानोगे, थड़ी। ठीक है, थड़ी क्या होता है? अपना जो पुराना जो गांवों में, ठीक है, जो दहलीज होती है ना, उस दहलीज को थोड़ा ऊपर उठा के बनाया हुआ होता है, उसको अपन थड़ी कहते हैं। तो पश्चिमी जो रेगिस्तानी भूभाग है, वहीं पे अपने कुछ पूर्वी बीकानेर में, दक्षिण हनुमानगढ़ में, ठीक है, और नागौरी उच्च भूमि में, और कुछ भाग चूरू में, यहाँ पे सामान्य भूमि से कुछ ऊंचा उठा प्रदेश है। ठीक है, इसमें आ जाते हैं दक्षिण हनुमानगढ़, ठीक है, इसके अलावा आ जाता है चूरू का कुछ भाग, और फिर नागौरी उच्च भूमि, और फिर आ जाता है अपना पूर्वी बीकानेर। पूर्वी बीकानेर ये जो प्रदेश है, इन प्रदेशों को अपन एक नाम दे देते हैं, ये थली कहलाते हैं। अब थली कहने का कारण, क्योंकि ये जो आपका पश्चिमी रेगिस्तान है, इस पश्चिमी रेगिस्तान में सामान्य भूमि से कुछ ऊंचा उठा हुआ है। कितना ऊंचा है? समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 300 से 500 मीटर। समुद्र तल से ऊंचाई है इसकी 300 से 500 मीटर की। ठीक है, अब इसकी खास विशेषता क्या है? तो खास विशेषता कि इस थली प्रदेश में NaCl पाया जाता है यहाँ की मृदा में। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पे खारे पानी की झीलों का विस्तार है। खारे पानी की जो झीलें हैं, विशेष के बीकानेर में आपको लूणकरणसर मिल जाएगी, लूणकरणसर। ठीक है, हनुमानगढ़ में विशेष नहीं, चूरू में आपको ताल छापर और एक अन्य पड़ीहारा मिल जाएगी। और नागौरी उच्च भूमि इस क्षेत्र में आपको, जानते ही आप, डीडवाना, कुचामन, डेगाना, ठीक है, ये काफी प्रसिद्ध झीलें मिल जाएंगी। नावा भी एक झील है, नावा। ठीक है, ये तो ये प्रसिद्ध झीलें हैं जो कि आपको इस थली प्रदेश में मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इस अपने मरुस्थल में सिर्फ एक ही भाग रह जाता है, जिसको अपन कह देते हैं लूनी जवाई नदी का मैदान, या सीधा कह सकते हैं लूनी जवाई बेसिन। एक तो इंक, यार इस इंक का क्या कलेक्ट किया जाए। ठीक है, बात करते हैं अपन अपनी जो लास्ट है अपना, इस मरुस्थल का, जिसको अपन कहते हैं लूनी और जवाई नदी का मैदान। ठीक है, अजमेर की नाग पहाड़ी, नाग पहाड़ियां अजमेर। ठीक है, इन नाग पहाड़ियों से नदी निकलती है, नदी का नाम नूनी। ये अजमेर, अजमेर से पहुंचती है नागौर, नागौर से पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, बाड़मेर से जालौर, और सीधा कच्छ के रण में, कच्छ का रण। ठीक है, साथ ही में अपने को पाली से इसकी एक सहायक नदी मिलती है, जिसको अपन बोलते हैं, पाली से आने वाली है नदी जवाई। ठीक है, ये जवाई अपने गोरिया गांव से निकलती है, पाली नदियों में अपन पढ़ेंगे। अब इस जवाई नदी में एक सहायक नदी आकर मिलती है सिरोही के निकट से। ठीक है, वो नदी होती है खारी। खारी जालोर का जो क्षेत्र है, सायला, सायला नामक स्थान पर ये नदी आकर इसमें विलीन हो जाती है। ठीक है, तो इस जो पूरा तंत्र बनता है, इसको अपन बोलते हैं लूनी जवाई नदी का तंत्र या मैदान। अब इस मैदान के ना कुछ पोर्शन है, कुछ भाग है। पहला नागौर और उत्तरी पाली, इसको अपन बोलते हैं बांगड़ प्रदेश। ठीक है, जोधपुर और दक्षिण पाली, जहां पे जवाई बांध वगैरह है, ये पूरा जो पोर्शन है दक्षिण वाला, बाड़मेर को छोड़ देना,
इसको बोलते हैं मारवाड़ का मैदान, मारवाड़ का मैदान, ठीक है। बाकी बाड़मेर, जालौर और सिरोही, ये कहलाता है गोड़वाड़, गोड़वाड़ प्रदेश, ठीक है। गोड़वाड़ प्रदेश कहने का कारण यहां पे गोड़िय राजवंश का पाया जाना, ये पर निवास करना, पूर्व में यहां पे गोड़िय राजवंश ने क्या किया था, शासन किया था, अतः इस प्रदेश को अपन क्या कह देते हैं, गोड़वाड़, ठीक है। ये तीन भाग है। अब आपको है ना जालौर में कुछ देखने को मिलेगा, क्या जालौर में आपको मिलेगा, एक तो रेल, रेल, रेल क्या होता है, जालौर का जो सांचौर क्षेत्र है, इस सांचौर क्षेत्र में लूनी नदी बाढ़ग्रस्त दलदली प्रदेश बनाती है, ठीक है। लूनी नदी बाढ़ग्रस्त दलदली प्रदेश जो बनाती है ना, उस प्रदेश को ही क्या कहते हैं अपन, रेल कह देते हैं, और क्या कह देते हैं, या रेला, राइट ना, रेल या रेला आप कह देते हैं, इसे अच्छे से याद रखिए, ओके। दूसरी एक और खास बात है, जालौर का जो क्षेत्र है रेल या रेला, ठीक है, इस प्रदेश में, इस प्रदेश में जो मृदा पाई जाती है, पूरा जो क्षेत्र है यहां पे होती है लवणीय मृदा, लवणीय मृदा, ठीक है। लवणता का कारण है भूगर्भ में पाई जाने वाली कुछ चट्टानें, इन चट्टानों में होती है माइका और शिष्ट लवणीय चट्टानें, माइका और शिष्ट जो लवणीय चट्टानें हैं, उनकी वजह से ये जो प्रदेश है ये बन गया है कैसा, खारा प्रदेश, खारी मिट्टी का प्रदेश, राइट, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या नेक्स्ट, ये कि जो इसका उत्तर पूर्वी भाग है, जोधपुर है, नागौर है, यहां पे कैसी मृदा मिलती है, तो इस प्रदेश में अपने को मिलती है जलोढ़ मृदा, और वो किस प्रकार की है, प्राचीन, और वो हो जाता है बंगर, राइट दोस्तों, ठीक है। ये कंप्लीट होता है अपने थार का मरुस्थल का विवरण, ठीक है दोस्तों। आप वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि आपको आने वाले जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहे। हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ओके, थैंक यू, जय हिंद।